नागपुर में दिन ब दिन नाबालिग बालक बालिकाओं के गुमशुदा होने के मामले सामने आ रहे हैं और यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस विभाग गंभीर हो गया है। शहर के सभी पुलिस थानों में अब मिसिंग स्क्वाड की जिम्मेदारी PSI लेवल के अधिकारियों को दी जाएगी और गुमशुदे मामले में PSI से वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ करेंगे, साथ ही अपडेट जानकारी भी मांगी जाएगी। आपराधिक मामलों के डिटेक्शन में नागपुर पुलिस का रिकॉर्ड राज्य के अन्य शहरों से काफी बेहतर है। एक समय में नागपुर को क्राइम कैपिटल भी कहा जाता था, लेकिन पुलिस ने अपने सिर लगा क्राइम कैपिटल का दाग पोछ लिया है। पुलिस ने अच्छा प्रदर्शन कर साल 2019 से 10% अपराध कम किया है। पुलिस ने शहर के कई मुख्य बदमाशों पर MPD की कार्रवाई की है और अब साल 2020 में क्राइम को कम करने के लिए पुलिस प्रयासरत है। हाल ही में पुलिस ने शहर में थर्ड आई ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत शहर में 3 महीने में 3 लाख तक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराधों पर रोक लगेगी और क्राइम डिटेक्शन में भी मदद होगी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया कि मिसिंग व्यक्ति का कॉल डिटेल निकाला जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति कहां गया, क्यों गया और कहां से लापता हुआ। इसके लिए हमारी टीम भी बाहर जाती है। मिसिंग केस में कुछ ऐसे मामले होते हैं कि जिनकी गंभीरता से जांच की जाती है। छोटे बच्चों के गुमशुदा होने पर तुरंत जांच शुरू हो जाती है, खासकर जो बच्चा लापता हुआ है उसके परिजनों की भी हिस्ट्री निकाली जाती है कि किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं या कोई झगड़ा तो नहीं है। ऐसे केस में अपहरण का मामला दर्ज कर तुरंत जांच की जाती है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों के लापता होने के पीछे उनके माता पिता का गुस्सा बच्चों का अपहरण कर निकाला गया है। पता होता है तो हम तो उसे प्रॉपर ऑफेंस रजिस्टर करते हैं, उसका पूरा तपास होता है, उसमें टीम बाहर जाती है। इसके अलावा अगर कोई मेजर व्यक्ति अगर कोई मिसिंग होता है तो अभी हमने निर्णय लिया है कि उसको पूरी तरह से तपास किया जाए, उसका कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ गया, कैसे गया, ताकि जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजा जाए और उसके बारे में कहीं पे कोई भी गड़बड़ी न हो। आंकड़े के मुताबिक हर रोज 5 से अधिक लोग गायब हो रहे हैं, जिसपे 16 से 20 साल की लड़कियों का प्रमाण 50% होने का सामने आया है। हमने इस मामले में शहर के पुलिस आयुक्त से बात की तो उनका कहना है कि जो गुमशुदा हो रहे हैं उनकी गंभीरता से तलाश जारी है, साथ ही जो लड़कियां गुमशुदा हो रही है उनके भी गंभीरता से तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ चली जाती है, बल्कि कुछ दिनों में वो वापस भी आ जाती है, लेकिन कुछ अभिभावक बदनामी के डर से मैटर को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जो लड़कियां लापता है और अब तक ट्रेस नहीं हुई है उनकी गंभीरता से तलाश जारी है। देखो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे वो अपने लवर के साथ या किसी के साथ बाहर चली जाते हैं, उसमें बाद में बहुत सारी मिलती भी हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं बाद में आने के बाद वो मैटर को क्लोज कर देते हैं कि हमारी बदनामी होगी। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ट्रेस नहीं हुई हैं, तो उनको अभी हम स्पेशल टीम बना के हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रेस किया जाए, कहाँ गई हैं, कहीं किसी ने उसका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया है। तो इस हिसाब से हमारी कोशिश चल रही है और इसको हमने काफ़ी प्रायोरिटी बेसिस पर रखा है। नहीं, नॉर्मली ये तो आदेश है कि कहीं पे भी अगर कोई मामला आता है तो इमीडिएटली उसको दर्ज किया जाए, उसका तपास किया जाए, इंक्वायरी की जाए, ताकि अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना है तो उसको रोका जा सके। गुमशुदगी के मामले में महाराष्ट्र राज्य देश में 3रे नंबर पर है, वहीं नागपुर शहर 2रे स्थान पर है। संतरा नगरी में हर रोज 5 लोग लापता हो रहे हैं। इसमें 16 से 20 साल की लड़कियों का प्रमाण 50% है और लड़कों का प्रमाण भी 30% है। गुमशुदी का प्रमाण दिन ब दिन बढ़ते जाने से पुलिस भी सकते में है और आखिर लापता होने के पीछे क्या राज है इसकी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें लड़के और लड़कियों का अपहरण कर उनसे गलत काम कराया जा रहा है। नागपुर शहर में छोटे बच्चों की पॉर्न फिल्में बनाई जा रही है और उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जब महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल को इस बारे में सूचना दी तो हड़कंप मच गया। जांच के बाद पुलिस ने गणेशपेट, नंदनवन, जरीपटका और सकरतरा थाने में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले दर्ज किए हैं। पुलिस को संदेह है कि यह पॉर्न फिल्में नागपुर में ही बनाई गई है। इस तरह के करतूत के लिए बच्चों का अपहरण किया जाता होगा ये तो तय है और अपहरण के बाद उनसे यह घिनौना काम करवाया जाता है, इसलिए पुलिस बच्चों के अपहरण के मामलों में भी सख्ती से जांच करी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ एकता कहरवार की रिपोर्ट।